अपनों का प्यार अपनों के लिए कितना जरूरी होता है, हम अपनी फैमिली के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं, उन्हें कितना टाइम देते हैं और कितना हम बिजी रहते हैं। कभी कभी अपनी लाइफ में इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल तो करते हैं, उनकी केयर करते हैं, परवाह करते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा सा समय नहीं दे पाते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है, वो है समय। एक घर में बूढ़े माँ बाप और उनका बहू बेटा और पोता, यही एक उनकी छोटी सी दुनिया थी जिसका वो प्यार पाने के लिए कुछ न कुछ करते रहते थे। कहीं बात करने के लिए, कहीं प्यार पाने के लिए, तो कुछ न कुछ ये सारी चीजें रिपीट करते थे। वो सारी चीजें उनके बेटे और बहू को पसंद नहीं थी कि जब आपको खाने को मिल रहा है, हर चीज आपको मिल रही है, तो आप मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। एक दिन की बात है, सब लोग घर पर ही थे। आरजू अपने बाबा और दादी के कमरे में जाता है, वहां पे एक नोटबुक रखी होती है। उस नोटबुक में उनके बाबा और दादी जो भी अपने बात करते थे, सोचते थे, जो भी, वो उस डायरी में नोट करते थे। तो आरजू की नजर उस पे पड़ती है, वो नोटबुक उठा के देखता है, पढ़ता है उसको, हर चीज समझ में आती है, लेकिन एक ऐसा वर्ड लिखा था जो उसके दिमाग में नहीं बैठा, ना उसको समझ सका। उसमें लिखा था, काश मैं टीवी होता। तो वो चीज अपने बाबा से पूछता भी है, दादी से भी, दादी ने बोला बस बाबा ने ऐसे टीवी को देख के लिख दिया, और उस नोटबुक को उठा के वहां से वो चला जाता है। आरजू के पापा डॉक्टर थे और मम्मी टीचर थी। मम्मी जब भी शाम को वापस आती थी तो बच्चों के कापी चेक करती थी। आरजू वही नोटबुक लेके आता है अपने बाबा की, तो मम्मी से बोलता है कि ये नोटबुक चेक कर देना। इतना कहकर वहां से वो चला जाता है। तभी उसके पति सोफे पे आराम से बैठ के चाय की चुस्की ले रहे हैं और टीवी देख रहे थे। पत्नी ने सोचा क्यों ना इस नोटबुक को पढ़ा जाए, क्योंकि यही सही समय है। तो अपने पति से बोला, सुनते हो, एक बूढ़े में आपने लिखा है काश मैं टीवी होता, तो सब लोग मुझे देखने आते और मुझे प्यार करते हैं। जब थक कर ऑफिस से घर वापस आते हैं, मुझे देखने आते हैं, और जब भी इनका टाइम पास ना होता तो वो भी टीवी के पास आकर टाइम पास करते हैं। यह सुनकर उसके हस्बैंड हंसने लगे, लेकिन उसकी पत्नी रो रही थी। तो बोला कि जानते भी हो आप ये लेटर किसने लिखा है? उसके हस्बैंड ने कहा, किसने लिखा होगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो बोलती है कि ये लेटर हमारे मम्मी पापा ने लिखा है, किसी और ने लिखा है। ये बात सुनने के बाद उसके कान खड़े हो जाते हैं। बोलता है कि सच में? बोलता हाँ, ये सच में आपके हमारे मम्मी पापा ने लिखा है। उसे बहुत अफसोस होता है, बहुत गिल्टी फील होती है। दोनों पति पत्नी शपथ लेते हैं कि आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा, टीवी से भी ज्यादा अपने माता पिता को टाइम देंगे। छुट्टी का दिन हो या ऑफिस के आने के बाद में जो भी टाइम होगा, अपने माता पिता के साथ बिताएंगे, उनको टाइम देंगे। दोस्तों, ये हमारे घर में भी ऐसा ही होता है, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ हम ऐसा ही करते हैं। हम उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आज की सोशल मीडिया के हिसाब से मुझे लगता है कि सब कुछ मोबाइल टीवी हो गया है। अब उनको अपने माता पिता के पास बैठना अच्छा ही लगता है। जो 10 साल पहले, 20 साल पहले उनके पास बैठ के कहानियां सुनते थे, किससे सुनते थे, जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता था, लेकिन आज मोबाइल टीवी की वजह से हमें उनसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सिर्फ हमारे माइंड में ऐसा कीड़ा बैठ जाता है, हमारे पास मोबाइल या टीवी है तो हमें उनके पास बैठने की, सीखने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, सीखने की बहुत कुछ जरूरत है। उनके पास वो लाइफ का एक्सपीरियंस है, वो तजुर्बे हैं जो आपको शायद मोबाइल से भी नहीं मिल सकते। आप चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, माता पिता हर किसी के लाइफ में एक भगवान की तरह होते हैं, तो उनसे एक हक जो होता है वो कभी नहीं छीनना। आप उनसे ऊंची आवाज में बात कभी मत करना, अगर वो ऊंची आवाज में बात करते भी हैं तो आपको नहीं करना है, आपकी उनकी बातों को समझना है कि वो क्या बोल रहे हैं। शायद आपको गलत भी हो सकता है और सही हो सकता है आपके हिसाब से, लेकिन उनके हिसाब से शायद सही ही होगा। अगर उन्होंने ऊंची आवाज में बात की तो आपको ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि
आपके ऊंची आवाज में बात करने से उनका शायद दिल दुख जाता है, उनको हर्ट होता है, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ अगर सहारा देने वाला है तो सिर्फ आप अकेले हो, जो अपने माता पिता का ध्यान रख सकते हो, दूसरा कोई सहारा नहीं है। बचपन में हम एक सेकेंड उनके बिना नहीं रह सकते थे, हर सेकेंड में उनकी जरूरत पड़ती थी, और आज वही टाइम है कि उनको भी उससे ज्यादा जरूरत है तुम्हारे। इसीलिए वो हर पल आपको कुछ न कुछ नया सीखने के लिए, नया कुछ बताने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन आपको मोबाइल और टीवी से फुर्सत नहीं मिलती है। मेरे पास तो मोबाइल है, सब लोग हैं, तो मुझे सीखने मिल जाएगा, आपके पास बैठने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपकी एज चाहे 40 साल हो, 50 साल हो, 25 साल हो, 30 साल हो, एज वही रखती है, आप उनके लिए छोटे हो। उनकी लाइफ में उस टाइम के हिसाब से आज भी वो यही सोचते हैं कि आपके टाइम के, आपके अपडेट टाइम के हिसाब से सही है। जो आज आप कर रहे हैं शायद उनको वो अच्छा नहीं लग रहा होगा, ऐसे आपके करंट अपडेट के हिसाब से आपको सही लग रहा है। तो आपको सिर्फ उनको समझाने की कोशिश करनी है, ये जोर दबाव या चिल्ला के आपको प्रेशर डाल के उनको चुप नहीं कराना है, क्योंकि वो उनके लिए इतना महत्वपूर्ण होता है कि अगर आप प्यार से उनको समझाएंगे, प्यार से बात करेंगे कि उस टाइम की बात अलग थी, आज का टाइम अलग है, तो हमें ऐसा करना जरूरी है, बट आपको उनको दबा के बात नहीं करनी है, जिससे उनका सहारा और दिल दोनों अलग हो जाता है। वो फिर खुद को अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं कि शायद जब मेरा बेटा ही मेरा साथ नहीं दे रहा, मुझे नहीं समझ पा रहा है, मेरी फीलिंग को नहीं समझ पा रहा है, तो दूसरा कौन समझेगा, कोई नहीं समझेगा। इसलिए अपनी लाइफ में अहमियत खुद को दो और अपने माता पिता को भी। तो बचपन से लेकर आज तक 20 साल के या 25 साल के हो आप, सिर्फ उनकी वजह से हो, जो भी हो किसी दूसरे की वजह से नहीं। इसलिए लाइफ में एक बात हमेशा याद रखो कि इस दुनिया की बाजार में आपको सब कुछ मिल जाएगा, मां की दुआ और बाप का साया कभी नहीं मिलेगा। दुआ कहते ना, दुआ आपके लिए सिर्फ मां बाप, आपके पेरेंट्स ही दुआ कर सकते हैं, बाकी आपके लिए कोई नहीं करेगा। ये चीज आपको पता होगी अच्छी तरीके से, कोई भी मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, कहीं भी अगर आपके लिए दुआ करते सिर्फ आपके माता पिता करते, दूसरा इंसान कोई नहीं करेगा। ये सच है, ये हकीकत है। इसलिए उनको समझो, उनको समझने को कोशिश करो जितनी आवश्यकता हमें होती है बचपन में, उतनी आज आवश्यकता उनको भी है आपकी। इसलिए लाइफ में मोबाइल टीवी को थोड़ा साइड में करके उनको भी टाइम देने की कोशिश करें, क्योंकि हर चीज समय पर ही सही लगती है। हो सकता ऐसा भी है कि जो उनका टाइम था और आज का टाइम बहुत डिस्टेंसेस में, कि उस टाइम पे दुनिया अलग थी, आज की दुनिया एकदम अलग है, क्योंकि आज की चीजें, आज से टेक्नोलॉजी, आज के बारे में उन्हें शायद नहीं पता होगा ये चीजें कैसे चलती हैं, कैसे इनका यूज होता है, लेकिन आपको पता है। तो उनको समझाने की कोशिश करो, लेकिन दबा के कभी नहीं, प्रेशराइज करके कभी नहीं उनको दबाना है आपको, कि आपको कुछ पता भी है इसके बारे में, आप क्या जानते हो, ये शब्द आपको लाइफ में कभी नहीं यूज करने। शायद आपकी एज 40 होगी या 40 प्लस होगी, जो भी आपकी एज है, शायद आपसे उनकी एज डबल होगी, उनकी एज होगी 80 साल या 85 साल, शायद आपसे डबल है, लेकिन बहुत कुछ सीखा है लाइफ से, शायद टेक्नोलॉजी के बारे में, आज के टाइम के बारे में नहीं पता होगा कि दुनिया कहां जा रही है, लेकिन जो उनका टाइम था, उनकी लाइफ जो बीत चुकी है, उसके बारे में उन्हें अच्छी तरह से पता है। इसलिए आप कितने भी बड़े हो जाओ, कितना भी कुछ सीख जाओ, लेकिन तब भी कम है, आपको तभी भी सीखने की जरूरत है। इसे लाइफ में कभी भी अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ना है, उनका साथ देना है, उनको सपोर्ट करना है। ये दुनिया की वो खुशी है जो किसी को नहीं मिलती है। अगर बुढ़ापे में अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का सहारा बनते हो, उनको सपोर्ट करते हो,
तो कभी भी उन्हें कोई दुख नहीं होगा। अगर उन्हें एक टाइम खाना भी नहीं मिलेगा तब भी चलेगा, लेकिन ये चीज है ना बहुत जरूरी होती है। दुनिया की सबसे ताकत होती है उनके पास कि आज मेरी फैमिली मेरे साथ है या मेरा बेटा जो भी है फैमिली में आपके उसको सपोर्ट करता है। अगर बाइचेंस वो आपके चिल्लाते हैं कुछ भी करते हैं उस चीज को इग्नोर करना है, शायद आपके इग्नोर करने से उस बात को उनके लिए प्यार बढ़ेगा। आप उस बात को लेकर साइड में करते हैं जो आप उन्होंने बोला है, बट उसमें एक चीज है कि उनके लिए बहुत अहमियत रखता है। उन्होंने जो भी बात बोली है आपने उस बात को सुना और उसका कोई जवाब नहीं दिया, उस पर कोई रिप्लाई नहीं दिया, उनको थोड़ा गर्व होता है कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है उसके बावजूद भी मुझे आज तक कोई वापस रिप्लाई नहीं दिया। 40 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, आज तक उसने कोई रिप्लाई मुझे नहीं दिया। लेकिन उनको हर्ट नहीं करना है। जब भी वो 50 लोगों के बीच में बैठेंगे तो गर्व से कहेंगे कि मेरे बेटे ने आज तक मुझे कोई रिप्लाई जवाब नहीं दिया, क्योंकि आप उनकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं। और शायद ऐसा ही कोई पेरेंट्स होगा जो गलत बोलेगा, कभी भी अपने बच्चों के बारे में गलत नहीं बोलेगा, चाहे गुस्से में बोले चाहे प्यार से बोले, जो भी बोलेगा सच बोलेगा और भले के लिए बोलेगा। कोई माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं बोलता है। अगर आप उनसे ऊंची आवाज बात करते हो तो उनका है ना मनोबल गिर जाता है कि शायद जो मेरा बेटा पहले ऊंची आवाज बात नहीं करता था आज मुझसे ऊंची आवाज बात करता है। वो अंदर से कमजोर हो जाते हैं, खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। इसलिए कभी भी आप ऊंची आवाज में बात मत करो, भले गुस्से में बोला हो लेकिन आप उस चीज को इग्नोर करो तो ही बेटर है। क्योंकि लाइफ में जब ऐसे मोमेंट आते हैं ना तो बहुत ही अच्छा उनको महसूस होता है कि मैंने कुछ कहा भी तभी उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। आई एम रिच बिकॉज आई हैव द वर्ल्ड बेस्ट मदर एंड फादर, मैं अमीर हूं दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता मेरे पास हैं। दुनिया में आपकी कोई फिक्र नहीं करेगा, सिर्फ आपके माता पिता ही आपकी फिक्र करेंगे। आप कोई भी जॉब करते हो बिजनेस करते हो, आपका शाम को आने का टाइम है शाम के 6 बजे या 7 बजे, वो 6 बजे या 7 बजे आने का टाइम है। अगर आप लेट हो जाते हो तो आपको तुरंत कॉल करेंगे, अभी कहां पहुंचे हो, शायद आपको किसी ने कॉल नहीं किया होगा। सबसे पहले आपके मम्मी पापा या पेरेंट्स जो भी आपके साथ हैं उनका ही कॉल रहेगा। लाइफ में आपसे एक रिक्वेस्ट है, कभी भी अपने पेरेंट्स का हर्ट नहीं करना है, कभी उनका दिल नहीं दुखाना है, कभी ऊंची आवाज में कोशिश करो बात ना करो। एक कोशिश जरूर करना कि लाइफ में कभी भी ऊंची आवाज में बात ना करना, क्योंकि ये ऊंची आवाज में बात करना शायद आपको अच्छा लगेगा लेकिन उनको नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए अपनी लाइफ में कोशिश करना कि हर चीज से लगाव रखना, टीवी मोबाइल हर चीज से, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स, जो आपके लिए सब कुछ है। क्योंकि इस दुनिया के बाजार में ना आपकी कोई फिक्र करेगा ना आपके लिए कोई दुआ मांगेगा, अगर वो सब कुछ करने वाला तो आपके सिर्फ है माता और पिता। इसलिए कोशिश करो उनको समझने को और उनको समझाने को भी, क्योंकि उन्हें आज की दुनिया के बारे में सब कुछ पता है लेकिन आज की जो करंट अपडेट है तो दुनिया कैसे चल रही है किस बेस पे चल रही है उस चीज के बारे में उनको नहीं पता है। सिर्फ उनको समझाने की कोशिश करो कि हाँ आज की डेट में ऐसा चल रहा है, इसी पे सारी दुनिया चल रही है, इसलिए मुझे भी करना पड़ रहा है। गलती से इंसान सीखता है, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो गलती ना करता हो। जब तक आप गलती नहीं करोगे तब तक आप कुछ नया सीखोगे नहीं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाली मेरी नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो में कहीं गलती होती है तो दोस्तों माफ करना, क्यों गलती इंसान से होती है जानवर से नहीं।